आज हम बनाएंगे मटर और चने की घुगनी। तो इसके लिए हमने ये एक कप चना और हाफ कप ये मटर लिया। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और इसको मैंने अच्छे से धुल लिया। अब इसको हम इस कुकर में, प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ये एक मीडियम साइज की प्याज, रफली चॉप की हुई, हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक हरी मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल, 1.5 कप पानी, 1/2 कप। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये लिड लगा देंगे। फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसको इस पे गलने के लिए 8 से 10 सीटी तक हाई फ्लेम पे रख देंगे। 10 से 12 विसल हो चुकी है और ये प्रेशर भी निकल चुका है। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें अभी हल्का हल्का सा पानी है। इसको हम हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से हम ऑयल सेपरेट होने तक भून लेते हैं। ये देखिए, पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे ये कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अभी अच्छे से भून चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी सी सॉफ्ट और जूसी सी मटर और चने की घुगनी बनके तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत मजे की लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।